अनिर्वाच्य वेद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवत विवर्तायस्यैते वियदनिलते यो भवनयः यतश्च भूद्विषम् चरम चरमोचावचमिदम् नमामास्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। इस सूत्र के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं कि ब्रह्म अवगतिर् पुरुषार्थः निःशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निवारणात् तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम्। ब्रह्म विशेष रूप से जानने योग्य है, ये बात आ गई। अच्छा, जो पूर्व पक्षी लोगों ने कहा कि वेदाध्ययन के बाद ब्रह्ममीमांसा करनी चाहिए, उसका यहाँ पर निराकरण किया। वेदाध्ययन हुआ हो अथवा न हुआ हो, नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि साधन चतुष्ट संपत्ति हो जाए तो वेदांत का विचार करना चाहिए। और अथातो धर्म जिज्ञासा जो पूर्व मीमांसा है, वहाँ पर धर्माधर्म का विचार किया गया है, ब्रह्म का विचार नहीं किया गया है। इसलिए ब्रह्म का विचार करने के लिए ब्रह्मसूत्र का आरंभ करना ये व्यर्थ प्रयास नहीं है, पुनरुक्ति दोष भी नहीं है। यदि पूर्व मीमांसा में भी ब्रह्म का विचार यदि किया होता तो ब्रह्मसूत्र का कथन करना पुनरुक्ति दोष से युक्त होता, इसलिए सूत्र का आरंभ करना युक्ति युक्त है। ये भवन भाष्यकार ने कह दिया तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम्। जो साधन चतुष्ट संपन्न साधक है ना, उन्हीं के लिए जो है ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत का विचार आरंभ करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद विचार किया जा रहा है ये जो वेदांत शास्त्र का विषय है तो इसके ऊपर शंका बन सकती है। अनुबंध चतुष्टय बोलते हो, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी मिल भी गया, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी साधन चतुष्ट संपन्न मिल भी गया हो, फिर भी ग्रंथ का विषय होना चाहिए है ना, और प्रयोजन भी होना चाहिए और संबंध भी होना चाहिए। विषय है जीव ब्रह्म का एकत्व, ये विषय होता है। और ज्ञान कहते हो फल मोक्ष, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, ये फल है। और संबंध होता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, ब्रह्म है प्रतिपाद्य और वेदांत शास्त्र ब्रह्म सूत्र है प्रतिपादक। लेकिन तुम्हारा ब्रह्म जब विषय ही नहीं है, जीव ब्रह्म का एकत्व, तो फिर प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी नहीं बनेगा,
और ज्ञान से मोक्ष है ऐसा फल जो प्रयोजन ये भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षेप हो सकता है। इस अभिप्राय से भाष्य में पंक्ति आ रही है तत्पुनर्ब्रह्म। आपके पेज नंबर जो है 91 मेरे ख्याल से होगा, 91 बराबर। टीका में देखे भामति में स्यात एतत्, यहाँ से हाँ स्यात एतत् है भाई, स्यात एतत् कहाँ पर है आप लोगों की पुस्तक में? 91 में है स्यात एतत्, हाँ 92 भाष्य है 91 तत्पुनर्ब्रह्म, और इसके ऊपर टीका है 92 में, ऐसा छप गया है 92 में, देख लीजिए टीका। स्यात एतत् ठीक हो, ये बात ठीक है कि जो है ग्रंथ का आरंभ करना चाहिए आप बोलते हो, फिर भी हमारी शंका तो बन सकती है। कैसे? एतेना सूत्रणा ये जो पहला सूत्र है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के द्वारा आप ये कहना चाहते हो ब्रह्म ज्ञानम प्रति उपायता ब्रह्म मीमांसाया प्रतिपाद्यते इति उक्तम, एतेन सूत्रेण इति उक्तम, ऐसा लगाना है। ठीक है, इस सूत्र पहला सूत्र के द्वारा ये कहा गया, क्या कहा गया अब पहली पंक्ति में ले लो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानम प्रति, ब्रह्म ज्ञान के प्रति उपायता मतलब साधनता, कहाँ पर साधना था? मीमांसाया है, मीमांसा है विचार। ठीक है, वेदांत का जो विचार है पूजित विचार, इसको कहते हैं मीमांसा, अनुकूल विचार। तो अनुकूल विचार है उपाय साधन, किसका साधन? ब्रह्म ज्ञान का। विचार करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा वो कह रहे हो। ठीक है, ये जो कहते हो आप प्रतिपाद्यते है ना, मीमांसा ब्रह्म ज्ञान का उपाय है ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, निरूपण किया जाता है, किससे? पहला सूत्र से। इति उक्तम, इस सूत्र से ये बात कही गई, ये जो कही गई तत् अयुक्तम, ये ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारा कथन हमको ठीक नहीं लग रहा है, पूर्व पक्ष बोल रहा है क्यों? विकल्प असहत्वाद, विकल्पा सहत्वाद इति चोदयति, हम विकल्प कह रहे हैं, विकल्प बनाकर कहेंगे जिसका उत्तर तुम दे नहीं सकते, ये पूर्व पक्षी बड़ा बुद्धिमान होगा, तब तो ऐसा बोल रहा है। विकल्प असहत्वाद, विकल्प करेंगे तो इसका तुम सहन नहीं कर पाओगे, मतलब उत्तर दे नहीं पाओगे है ना, उत्तर दे नहीं पाओगे तो तुम्हारा सिद्धांत नहीं बन सकता है, कहने से तो नहीं होगा ना, सिद्ध करना पड़ेगा लक्षण प्रमाण में वस्तु सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान का उपाय है वेदांत विचार, वेदांत विचार करने पर ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, मोक्ष होगा, ये जो तुम्हारा कहना है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो कहने जा रहे हैं जिसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, ये बोलता है। इति इस अभिप्राय से चोदयति, शंका करता है, आक्षेप करता है, अर्थात वेदांत विचार में ब्रह्म ज्ञान की जो साधनता है, कारणता है, ये सिद्ध नहीं हो सकती, ये बोलता है। जब नहीं हो सकती तो फिर जो है शास्त्र का प्रयोजन क्या है? शास्त्र का प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान हो गया है कि नहीं, मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान कह रहे हो ना, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसके साथ साथ जो है विषय भी हो जाएगा ना, वेदांत विचार से ब्रह्म ज्ञान जब नहीं होगा फिर ब्रह्म रूपी विषय वो भी सिद्ध नहीं होगा, इसलिए तीनों असिद्ध हो जाएगा, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय जीव ब्रह्म का एकत्व अद्वैत ब्रह्म वो भी सिद्ध नहीं हुआ, आज ब्रह्म है ही नहीं तो ज्ञान किसका होगा, फिर ज्ञान रूपी प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा, और शास्त्र ब्रह्म में
प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव ये भी सिद्ध नहीं होगा, इसलिए तीन असिद्ध होगा, है ना। अनुमंत चतुष्टय में जो है अधिकारी को छोड़ने के बाद तीन हुआ ना, विषय प्रयोजन और संबंध, ये तीनों सिद्ध होगा नहीं। जब तीनों सिद्ध नहीं होगा तो क्यों समय बर्बाद करना है, ब्रह्मसूत्र का विचार करना है। दूसरा कुछ हम कुछ करेंगे कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, है ना, भगवान की भक्ति करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है ना। देख लो भाई टीका है। अच्छा नहीं, पहले भाष्य पंक्ति ऊपर हो गई 91 में, तत् पुनर्ब्रह्मा प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वा स्यात्, ये कहना चाहता है। ये तुम्हारा जो ब्रह्म कहते हो है शास्त्र का प्रतिपाद्य ब्रह्म, ये बताओ वो प्रसिद्ध है कि प्रसिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध है, क्या कहना चाहते हो। दोनों ओर से शंका बनेगा, प्रसिद्ध भी नहीं बोल सकते, अप्रसिद्ध भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते तो चुप रहो, फिर मौन रहो ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। फिर दूसरा कुछ करो, टीका देख लीजिए। वेदांतेभ्यो अपुरुषयतया, ये तुम्हारा वेदांत क्या है, पुरुषय है कि अपुरुषय भी, ये तो अपुरुष है ना, किसने बनाया नहीं है, है ना। यथा दाता यथा पूर्वम अकल्पयत, परमात्मा ने जो है ना पूर्व कल्प में जैसा वेद था ऐसे ही प्रकट कर दिया, परमात्मा सर्वज्ञ है। ये भगवान भी बनाते नहीं है शास्त्र को, वेदांत को, ये बोलते वेदांतेभ्यो अपुरुषय, वेद अपुरुषय होने से वेद का जो वेदांत भाग है ये भी अपुरुषय होगा। अपुरुषयतया मतलब अपुरुषय होने के कारण स्वत सिद्ध प्रमाण भावेभ्य, क्या पाठ है आपके वहाँ, स्वत सिद्ध प्रमाण भावेभ्य ऐसा पाठ है क्या, कैसा पाठ है राजू आपकी पुस्तक में, कैसा पाठ है, प्रमाणेभ्य कोई बात नहीं, स्वत सिद्ध प्रमा प्रामाण्यभ्य ऐसा है। चलो मैं देख लेता हूँ तुम्हारे पुस्तक में क्या है, 92 है क्या, चलो अच्छा प्रामाण्य है चलेगा। मेरी पुस्तक में है स्वत सिद्ध प्रमाण भावेभ्य, एक ही अर्थ है, प्रमाण भाव कहो चाहे प्रामाण्य कहो अर्थ तो एक ही है ना। हाँ पाठांतर है मतलब क्या हुआ इसे, स्वतः सिद्ध प्रामाण्यम ये शाम ऐसा लगाना है, ते स्वत सिद्ध प्रामाण्य नपुंसक करेंगे तो प्रामाण्यानी, स्वत सिद्ध प्रामाण्यम ये शाम तानी स्वत सिद्ध प्रामाण्यानी, मतलब वेदांत वाक्यानी, जिस वेदांत वाक्य में प्रामाण्य स्वत सिद्ध हो, है ना, स्वत सिद्ध प्रमाण है ये, अपने प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए और किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अपुरुषतया, क्योंकि अपुरुषय ना है, पुरुषय है ही नहीं, ये बोलते हैं। इसीलिए ऐसा वेदांत के द्वारा है ना प्रसिद्धम अप्रसिद्धम भाष्यत, तुम्हारा जो ब्रह्म है वो ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध नहीं है ये बताओ। यदि प्रसिद्धम, यदि ब्रह्म प्रसिद्ध कहोगे वेदांत शास्त्र से तो प्रसिद्ध का क्या अर्थ होगा, प्रसिद्ध का यही अर्थ होगा, वेदांत वाक्य समुत्थेन निश्चय ज्ञानेन विषयीकृतम, यही प्रसिद्ध का अर्थ होगा। प्रसिद्ध के बाद कमाल दिया है क्या आपके पुस्तक में, कमा हाँ नहीं दिया है, कमा नहीं होना चाहिए, अच्छा है नहीं होना चाहिए। ये प्रसिद्धम का अर्थ भाई,
प्रसिद्धम का ये अर्थ, यदि ब्रह्म का प्रसिद्ध कहोगे तो प्रसिद्ध का अर्थ ये होगा वेदांत वाक्य समुत्थेना निश्चय ज्ञाने न, वेदांत वाक्य से निश्चय रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है। समुत्थ, समुत्थ का अर्थ होता है उत्पन्न, जन्य, है ना, सम उत्तिष्ठित, सम उत्तिष्ठति इति समुत्थम, ऐसा है। ज्ञान निश्चय रूपी जो ज्ञान है वो किससे होगा, वेदांत वाक्य से होगा, इसलिए बोलते हैं वेदांत वाक्य समुत्थेना निश्चय ज्ञान है ना, निश्चयात्मक जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय होगा ब्रह्म, इसी का नाम होगा प्रसिद्ध, इसी का नाम हो गया प्रसिद्ध, ठीक है। यदि ब्रह्म का आपको निश्चय हो गया, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, तो जिज्ञासा होगी आपको, जिज्ञासा क्यों होगी भाई, तत्व न जिज्ञासितव्यम, फिर ब्रह्म जिज्ञासा का विषय क्यों बनेगा, हैं, क्योंकि ज्ञान तो हो गया, प्रमारूपी ज्ञान तो हो गया ना, ये बोलते हैं। निष्पादित क्रिये कर्मणि और विशेषाधायिन साधनस्य साधन न्याय अतिपातात्। देखो शब्द थोड़ा जटिल होता है भामती में, लेकिन घबराना नहीं आप लोग, घबराओगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा शब्द ऐसे ही होता है, तो थोड़ा धैर्य रखोगे, बुद्धि को एकाग्र करोगे तो समझ में आ जाता है। लोग डर जाते हैं भामती का नाम सुनते ही, लोग डर जाते हैं, अरे अरे भामती छोड़ो भाई, भाष्य वाष्य पढ़ लो और क्या, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। निष्पादित क्रिये कर्मणि, कर्म मतलब क्या, प्रमा, परमारूपी जो ज्ञान है, ठीक है ना, ये संपादन हो गया। निष्पादिता क्रिया है ना, यस्मिन है, यस्मिन तत् निष्पादित क्रियम, हाँ मतलब परमारूपी क्या क्रिया निष्पन्न हो गई, ज्ञान हो गया मतलब, ठीक है, हाँ ब्रह्म विषय को ज्ञान हो गया। जब ज्ञान जब हो गया तो प्रमाण क्या करेगा, प्रमाण का क्या काम होता है, ज्ञान, ये चक्षु का संबंध हो गया घट के साथ, तो घट का ज्ञान हो गया, घट सामने है तो आपको घट का ज्ञान हो गया, तो चक्षु क्या करेगा, चक्षु और क्या करेगी बताओ, ज्ञान को उत्पन्न कर देगी ना, उससे ज़्यादा तो कुछ करेगी नहीं है कि नहीं, ये बोलते हैं। जब प्रमाण के वेदांत वाक्य के द्वारा जब ज्ञान हो गया, तो ज्ञान के बाद प्रमाण का काम क्या है, प्रमाण का कोई काम नहीं होता है, ये बोलते हैं। और विशेषाधायी न, विशेषम आधत्तेति विशेषाधायी, न विशेषाधायी इति और विशेषाधायी, मतलब जो विशेष को आधार न करे, उत्पन्न न करे, ऐसा कहेंगे और विशेषाधायी, है ना, षष्ठी वचन। ऐसा जो साधन है प्रमाण, साधन होता है प्रमाण, प्रमा होता है साध्य ज्ञान, साधन होता है प्रमाण, है, तो ये जो प्रमाण ज्ञान उत्पन्न कर दिया, बस उसका प्रामाण्य खत्म, और क्या प्रामाण्य। और जो प्रमाण यदि साधन को, मतलब ये ज्ञान कोई उत्पन्न न करे, विशेष को कोई उत्पन्न न कर सके, तो प्रमाण में प्रमाणत्व तो नहीं रहेगा, प्रमा उसी को बोलते हैं प्रमाजनकत्वम प्रमाणत्वम, है कि नहीं। यदि प्रमाण प्रमारूपी ज्ञान को उत्पन्न न कर सके तो प्रमाण का स्वरूप ही नहीं रहेगा, प्रमाजनकत्वम प्रमाणत्वम जो है प्रमाण का स्वरूप, वो स्वरूप ही नहीं रहेगा, ये बोलते हैं। इसी का नाम हो गया साधन न्याय अतिपाता। अच्छा इसीलिए है ना, ब्रह्म प्रसिद्ध है ये नहीं कह सकते, ब्रह्म यदि प्रसिद्ध हो गया, मतलब ब्रह्म का ज्ञान तो आपको हो गया, तो ब्रह्म का जब ज्ञान हो गया तो विचार क्यों करना है फिर, ये कहना चाहता है। और तो अप्रसिद्धम, यदि ब्रह्म प्रसिद्ध ही नहीं है, हैं जो वस्तु प्रसिद्ध ही नहीं है तो उसकी जिज्ञासा नहीं होती है, ये बोलते हैं। और तो अप्रसिद्धम वेदांतेभ्य तरी न तत् वेदांता प्रतिपादयन्ति सर्वतः अप्रसिद्धम नैव शक्यम
जिज्ञासितम्। कहते हैं जो वस्तु अत्यंत प्रसिद्ध है ही नहीं, है ना, बिल्कुल आप नहीं जानते जिस वस्तु को, तरही न तद वेदांता है। इसलिए वेदांता जो वेदांत वाक्य है न प्रतिपादयन्ति तत्, तद मतलब ब्रह्म, है ना, वेदांत ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? सर्वथा अप्रसिद्धम, भाई सर्वथा प्रसिद्ध ही जो नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते हो जिस वस्तु को, उस वस्तु की काहे को जिज्ञासा होगी? नैव शक्यम जिज्ञासितुम, जिज्ञासा ही नहीं होती है भाई, ऐसा कैसे होता है? हम सुनाते हैं, देखो बोलते हैं, अनुभूते ही प्रिय भवती इच्छा है। देखो बोलते हैं, इच्छा आप किसकी करते हो, किस वस्तु की इच्छा करते हो? बोलते हैं जो वस्तु अनुभूत हो, जिस वस्तु का पहले आप जानते हो, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से हो, चाहे शब्द प्रमाण से हो, चाहे अनुमान प्रमाण से हो, किसी ना किसी प्रमाण से जो वस्तु अनुभूत है, मतलब जानते हो, अनुभव का विषय हो और प्रिय भी हो, केवल अनुभव का विषय होने मात्र से उसकी इच्छा नहीं होती है। समझ में कि नहीं? उसकी इच्छा काहे को होगी, है ना, प्रिय भी होना चाहिए। देखो दो बातें बोल दिया, अनुभूत भी हो और प्रिय भी हो, हाँ, चाहे फल इष्ट फल हो अथवा इष्ट फल का जो साधन है वो भी इष्ट होगा, बात समझ में कि नहीं? जैसे लड्डू मान लीजिए, लड्डू हाँ, लड्डू हो गया साधन, किसका? सुख का साधन हो गया कि नहीं? इसलिए सुख हो गया इष्ट, है ना, और सुख का साधन हो गया लड्डू, वो भी इष्ट है, इसलिए फिर उसकी इच्छा होती है, लड्डू खाने की इच्छा होती है कि नहीं? नहीं तो काय की होगी, है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं, केवल अनुभव मात्र से नहीं, अनुभूत भी हो और प्रिय वस्तु भी हो। आपने सुना है, मान लीजिए वहाँ पर ऐसी एक वस्तु होती है, बहुत अच्छी होती है, खाने से बड़ा आनंद आता है, ऐसा आपने शब्द प्रमाण से सुन लिया, तब फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। बिल्कुल नहीं जानते हो तब इच्छा नहीं होती है, अथवा जानने पर भी यदि प्रिय न हो तब भी इच्छा नहीं होती है। वस्तु अनुभूत भी हो और क्या है, हाँ, वो प्रिय भी हो, तब जा करके इच्छा होती है। ये देखो, ये सिद्धांत है भाई, अनुभव में ले लो, अनुभूते ही प्रिय भवती इच्छा, अनुभूत और प्रिय वस्तु में ही इच्छा होती है, चाहे फल हो चाहे फल का साधन हो, ठीक है ना? अच्छा, इसी प्रकार स्वर्ग भी ले लो, और क्या, शास्त्र से आपने सुना, अरे स्वर्ग होता है कि नहीं? स्वर्ग जाएंगे तो बड़ा आनंद मिलता है ना, ऐसा आपने सुना, फिर इच्छा होती है, है फिर स्वर्ग का साधन क्या है, उसको फिर उसको करने में इच्छा होती है, ये बोलते हैं। न तो सर्वथा अननुभूत पूर्वे, जिसका अनुभव पहले कभी हुआ नहीं, उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं होती है, ये बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुबेर के पास बहुत धन है, है कि नहीं? कुबेर के पास धन है, धन तो है ही, आपको ज्ञान हो या ना हो, है कि नहीं? उसकी प्राप्ति के काय को इच्छा होती है, कौन है ना? आपने सुना है कि कुबेर के पास बहुत धन है, लेकिन वो धन हमको मिल जाए, लेकिन कुबेर नगरी में जाए, कर्म करके उपासना करके, तब तो ये हो जाएगी इच्छा। न तो इच्छमाणम अपि सक्यम ज्ञातम, ये देखो, इच्छा होने मात्र से भी ज्ञान तो हो नहीं सकता है ब्रह्म का। न तो इच्छमाणम अपि सक्यम ज्ञातम, क्यों भाई? बोलते हैं प्रमाणाभात, ये बताओ ब्रह्म के विषय में क्या प्रमाण है? ब्रह्म के विषय में तो केवल वेदांत ही प्रमाण होता है, अन्य कोई प्रमाण तो होता है नहीं, है कि नहीं? ये बोलते हैं शब्दो ही तस्य प्रमाणम वक्तव्य, शब्द जो प्रमाण है वेदांत प्रमाण, यही है ब्रह्म के विषय में प्रमाण है, यही तो कहना होगा आपको। क्योंकि आगे भगवान सूत्रकार बताएंगे, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, देखो प्रतिज्ञा कर दिया,
और वो ब्रह्म का लक्षण क्या है, तो लक्षण बता दिया जाएगा कि जन्मादियस्य यतः। ठीक है, प्रमाण भी तो होना चाहिए, आपके कहने से थोड़ी सिद्ध होगा कि ब्रह्म जगत का कारण है, प्रमाण बताना होगा। प्रमाण ये बता दिया शास्त्र जनित्वाद तृतीय सूत्र में। हालांकि इसके दो अर्थ है शास्त्र जनितत्व का, एक अर्थ है शास्त्र में योनि, योनि का अर्थ है प्रमाण है, ब्रह्म में मुख्य प्रमाण तो शास्त्र ही होता है। शास्त्र से आप मानो पहले ब्रह्म को जगत का कारण है, तब फिर आप अनुमान कर सकते हो, है ना, कि जगत सकर्त्रम सकर्तृकम कार्यत्वात्। आप ब्रह्म को आप माने बिना शास्त्र से अनुमान कैसे करोगे, है कि नहीं। पिछले यथावक्षति भगवान सूत्रकार बताएंगे कि ब्रह्म में प्रमाण क्या है, शास्त्र, शास्त्र जनित्वात्, शास्त्र ही ब्रह्म में प्रमाण है। सचेत तर न अवबोधयति, और वेदांत प्रमाण जो शब्द है, सहकार तो शब्द प्रमाण, सह शब्द वेदांत वाक्य शब्द, शब्द यदि ब्रह्म का बोध न करा दे, है ना, सचेत तर न अवबोधयति कुतस्तस्य तत्र प्रामाण्यम, फिर वेदांत में ब्रह्म के विषय में प्रामाण्य कैसे होगा। वेदांत प्रमाण ब्रह्म का ज्ञान करेगा, ब्रह्म का प्रतिपादन करेगा, तब तो वेदांत प्रमाण में प्रामाण्य होगा, है कि नहीं। ऐसा मैं तो कोई ऐसे ही बोलता जाए मैं राजा हूँ, तो बोलने थोड़ी राजा हो जाएगा, वो शराब पी लिया, रास्ता छोड़ दो, मैं तो अमुक का राजा हूँ मैं हाथी में जा रहा हूँ, है कि नहीं, तो उसका वाक्य तो प्रमाण होगा नहीं। प्रमाण तो वही होगा कोई ज्ञान करे, विषय का ज्ञान करावे तब प्रमाण होता है। इसी प्रकार वेदांत वाक्य यदि ब्रह्म का ज्ञान करावे तब तो वेदांत वाक्य में प्रामाण्य होगा। तो न च प्रमाणांतरम ब्रह्मणी प्रक्रमते, आप ब्रह्म के विषय में तो और कोई प्रमाण है ही नहीं, है ना। न च प्रमाणांतरम अन्यत् प्रमाणमिति प्रमाणांतरम, वेदांत से अतिरिक्त और कोई भी प्रमाण नहीं है ब्रह्म के विषय में। ओम नमो नारायण प्रमाणांतरम वेदांत वाक्य जो है यही तो ब्रह्म के विषय में है प्रमाण, और वेदांत वाक्य से और कोई प्रमाण जो है ब्रह्म के विषय में प्रवृत्त नहीं होता है। ब्रह्मणी प्रक्रमते, प्रक्रमते का अर्थ प्रवर्तते, और कोई प्रमाण ब्रह्म के विषय में मतलब अर्थात ब्रह्म का ज्ञान कराने में प्रवृत्त नहीं होता है। ना चक्षुरादि प्रमाण है ना कोई अनुमान प्रमाण है, और कोई ना कोई अन्य प्रमाण है, वेदांत वाक्य ही ब्रह्म के विषय में प्रमाण होता है। तस्मात् इसीलिए जो है प्रसिद्धस्य ज्ञातुं शक्यस्य अपि अजिज्ञासनात्, ब्रह्म यदि प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म को आप जानते हो, तब तो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी, ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होगी। और यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध है, बिल्कुल नहीं जानते हो, तब भी इच्छा काहे को होगी अप्रसिद्धस्य इच्छायाः अविषयत्वात्, अप्रसिद्ध वस्तु की इच्छा कभी नहीं बनती, इच्छा का विषय अत्यंत प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं होता है। पूर्व पक्षी बोल रहे उपसंहार कर रहा है, अशक्य ज्ञानत्वाच्च न ब्रह्म जिज्ञासम इति आक्षेप, जिसका ज्ञान संभव ही नहीं है बिल्कुल, अशक्य ज्ञानत्वात्, अशक्यम ज्ञानम यस्य तत् अशक्य ज्ञानम, जिसका ज्ञान संभव ही नहीं है, ऐसा जो तुम्हारा ब्रह्म है ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे होगी बताओ। ना ब्रह्म जिज्ञासम, ब्रह्म जिज्ञासा का विषय बन नहीं सकता इति आक्षेप, इसलिए पूर्व पक्षी आक्षेप करता है। ब्रह्म को प्रसिद्ध भी नहीं कह सकते, ब्रह्म को अप्रसिद्ध भी नहीं कह सकते, इसलिए तात्पर्य क्या निकला कि जो ब्रह्म है तुम्हारा अद्वैत ब्रह्म, ये शास्त्र का विषय नहीं हुआ,
शास्त्र का जब विषय नहीं हुआ तो फिर ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अद्वैत नाम की कोई चीज हो, ब्रह्म हो, तब तो उसका ज्ञान होगा। और ज्ञान जब नहीं होगा तो मोक्षरूपी फल भी नहीं होगा। और फिर ग्रंथ वेदांत वाक्य और अद्वैत ब्रह्म प्रतिपाद्य दोनों में संबंध भी नहीं बन सकता। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी नहीं बन सकता। भले ही अधिकारी हो जाए कोई बात नहीं संसार से विरक्त हो भी गया, अधिकारी हो भी गया, साधन चतुष्ट संपन्न हो भी गया, तब भी विषय भी सिद्ध नहीं हुआ वेदांत शास्त्र का, प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हुआ और संबंध भी सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए ये जो तुम्हारा ब्रह्मसूत्र वेदांत शास्त्र ये आरंभणीय नहीं है, विचार करने योग्य नहीं है। मैं समय यहाँ पर व्यर्थ न करो, कर्म कर लो, उपासना कर लो, है ना, अष्टांग योग करो तो वहाँ पर कुछ मिलेगा। ये ब्रह्मसूत्र का आरंभ करने से विचार करने से क्या मिलेगा ये पूर्व पक्षी है ठीक है ना। तो इसका परिहार करते हैं, बड़ा सुंदर ढंग से परिहार करेंगे। देखो ऐसा है, हाँ तुम एकाग्र बुद्धि करके सुनो, हम बताते हैं। ब्रह्मा प्रसिद्ध है, आपात रूप से प्रसिद्ध है, ये बताएंगे। आपात मतलब बिना विचार से, बिना विचार से भी जो है ना ब्रह्म का ज्ञान होता है। सुन लिया शास्त्र का, शास्त्र में श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो सुनने मात्र से चित्त यदि शुद्ध है ना, ज्ञान हो जाता है। उसको कहते हैं आपात ज्ञान। विचार करने से पहले जो ज्ञान होता है ना, उसको कहते हैं आपात ज्ञान। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान तो होता है विचार करने से पहले, धन में ना, ये आपात प्रसिद्धि है ब्रह्म की। इसलिए विषय भी हो जाएगा, है ना, शास्त्र कह रहा है, महापुरुष कह रहे हैं, है कि नहीं। ब्रह्म की बात छोड़ दीजिए नारायण है कि नहीं। जैसे स्वर्ग है मान लो, हैं स्वर्ग को आपने देखा है क्या? नहीं देखा है ना, फिर भी स्वर्ग है कैसे मानते हो आप कैसे मानते हो आप? स्वर्ग प्रसिद्ध है कि नहीं? आपात रूप से प्रसिद्ध हुआ, शास्त्र कह रहा है इसलिए होगा। गंगा स्नान करते हो, गंगा स्नान करने पर क्या होता है? बोले जो शरीर से शरीर का मल चला जाता है, और शरीर का मल तो दूसरे पानी से भी जाता है नहीं जाता है क्या? तो फिर गंगा स्नान का फल क्या हुआ? ये शरीर का मल की दूर है ना, शरीर का शरीर की निर्मलता, शरीर की जो है शरीर के मल की निवृत्ति, ये तो दूसरे जल से भी हो सकता है। तो फिर गंगा स्नान का फल क्या होगा? अदृष्ट है, पुण्य है। तो गंगा स्नान का फल पुण्य है, हाँ तो आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? शास्त्र से हुआ, महापुरुष के वाक्य से होता है, और क्या है? ऐसा नहीं कि उसका निश्चयात्मक ज्ञान हो, ये कोई जरूर नहीं। आपात ज्ञान भी हो जाता है श्रद्धा से, ठीक है ना। जैसे स्वर्गादि में जो थे, स्वर्गादि के विषय में ज्ञान होता है कर्मकांड से, कर्मकांड वाक्य से, इसी प्रकार ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाएगा वेदांत से, हैं आपात ज्ञान हो जाएगा। आपात ज्ञान हो जाएगा फिर संशय होता है, भाई ब्रह्म कैसे अद्वैत है? सारा जगह दिखाई दे रहा है तो ब्रह्म अद्वैत कैसे होगा? मेरा स्वरूप ब्रह्म कैसे होगा? हैं इसलिए मेरा स्वरूप ब्रह्म है कि नहीं है, ब्रह्म अद्वैत है कि नहीं है, ये संशय बनता है। ज्ञान तो पहले होता है आपात रूप से, आपात रूप से ज्ञान होने से आगे संशय होता है। वो संशय की निवृत्ति के लिए फिर विचार करना पड़ता है, ये सिद्धांत बनता है ना। ये बात कहने जा रहे हैं। देखो उच्चते, भाष्य में देखिए इस शंका का परिहार करते हैं उच्चते से। अस्ति तावत् ब्रह्मा, ब्रह्मा अस्ति तावत् ब्रह्मा, ब्रह्म तो है। कैसा है? बोल दिया देखो, नित्य है ब्रह्मा, ब्रह्मा शुद्ध है, ब्रह्मा बुद्ध है और मुक्त स्वभाव है, ऐसा ब्रह्म है। और सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम,
एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे भामतिक, एक एक शब्द का बता रहे। ये जो कहा अस्ति तावत् ब्रह्म, अस्ति का मतलब है, ब्रह्म है, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं कहना है। आपको ब्रह्म का ज्ञान हुआ हो न हुआ हो, लेकिन ब्रह्म तो है कि नहीं, तो उससे क्या तात्पर्य है ना। ब्रह्म है इसका तात्पर्य ये नहीं है, है ना। शास्त्र को सुनने मात्र से यदि श्रद्धा हो ना, ब्रह्म का आपात ज्ञान हो जाता है, सामान्य ज्ञान हो जाता है। इसलिए अस्ति ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म का ज्ञान होता है ये साधक को, ये यहाँ पर मामतिकार कह रहे, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। टीका लिखते हैं देखो, अयम अर्थ है, इस भाष्य का ये अभिप्राय है। प्रागपि ब्रह्म मीमांसायाः अधीत वेदस्य, ऐसा पाठ है ना भाई, प्रागपि ब्रह्म मीमांसायाः पूर्व, आगे पूर्वम है क्या, प्रागपि ब्रह्म मीमांसायाः पूर्वम, ऐसा पाठ है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रह्म मीमांसा कौन है, ब्रह्म मीमांसा का अर्थ है वेदांत का विचार, ब्रह्मसूत्र का विचार, हाँ मीमांसा का अर्थ विचार होता है ना। ब्रह्मसूत्र से जो ब्रह्म का विचार हो रहा है, मतलब विचारा, विचार करने से पहले, प्रागपि पहले भी, विचार करने से पहले भी अधित वेदस्य, अधित वेद ये न, देखो बोबरी समास हो गया लघु सूत्र लघु पढ़ रहे हो ना, निष्ठा कल ही आप लोग पढ़े हो, निष्ठा एक सूत्र है, निष्ठा प्रत्यंत पूर्व में होता है बहुवरी समास में। देखो यहाँ पर लग गया ना, अधित हो गया निष्ठा प्रत्यंत, अधिपूर्व इंग अध्ययन धातु सेक्त प्रत्यय अधित, बोले अधित पूर्व में होगा, वेदा अधित शब्द नहीं बनेगा, अधित वेद शब्द बनेगा, ठीक है। बोले जिसने वेद पढ़ लिया, विचार करने से पहले सामान्य रूप से जो पढ़ लिया, अधित वेद से जिसने वेद का अध्ययन कर लिया भाई, निगम निरुक्त व्याकरण आदि परिशीलन विदित पद तदर्थ संबंध से है ना। तो निगम, निगम निगम का अर्थ है वेद भी होता है, निगम का अर्थ वेद, अथवा ऐसा समझ लो निगम से स्मृति ग्रंथ भी हो जाएगा निगम का अर्थ, है ना, क्योंकि अधित वेद बोल दिया ना, इसलिए वेद तो आ गया चार वेद, और यहाँ पर निगम से है जो है वेदांग ले लो अथवा स्मृति ग्रंथ ले लो अथवा न्यायादि ले लो, निगम से निगम है, निरुक्त है, निरुक्त पढ़ लिया, निरुक्त है वैदिक कोश, व्याकरण आदि जो है वेदांग हो गया, इसका जिसने परिशीलन कर लिया, परिशीलन से विदित पद तदर्थ संबंध से पद पदार्थ का ज्ञान हो गया, है ना। ईशावास्यम इदम शर्म, ईशा का क्या अर्थ है, वास्यम का क्या अर्थ है, इस पर अगर सामान्य रूप से हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य शब्दों का क्या अर्थ है, ज्ञानम का क्या अर्थ है, ऐसा पद पदार्थ का संबंध का ज्ञान हो गया जिसको, ठीक है, विचार करने से पहले बोल रहे हैं, ये बोलते हैं। सदैव सम्य इदमग्र आसीत, ये देखो छांदोग्य भाई, सदैव सम्य इदमग्रे आसीत इति उपक्रमात्, यहाँ पर उपक्रम कर दिया ना, ये जगत की सृष्टि से पहले सद ब्रह्म ही था, ऐसा उपक्रम किया। फिर छांदोग्य में कहा सत्यकेतु के लिए उदालग ने तत्तम असी इति अंता संदर्भात, इस संदर्भ में नित्यत्वादि उपेत ब्रह्म स्वरूप अवगम, इसलिए ब्रह्म स्वरूप का अवगम होता है, निश्चय होता है, आपात रूप से बोल रही है कि ब्रह्म नित्य है आदि सब ले लो, बुद्ध स्वरूप ऐसा है, तावत आपाततः विचाराद बिना भी अस्ति, इसलिए विचार करने से पहले आपात रूप से ब्रह्म का ज्ञान होता है साधक को, ये भी श्रद्धा के बिना नहीं होगी नारायण श्रद्धा के बिना आपात ज्ञान भी ब्रह्म का नहीं हो सकता ये बोलते हैं।
अस्तितावत ब्रह्म जो भाष्य में था इसका अर्थ ये है, अत्र च ब्रह्म इत्यादिना अवगम्येन तद विषयम अवगमम लक्ष्यते। अत्र च का अर्थ है अस्तितावत ब्रह्म, ये वाक्य है भाष्य में जो आता है ना, इस शब्द से ब्रह्म हो गया अवगम्य, अवगम विषय अवगम्येन तद विषयम अवगमम लक्ष्यते। ये ब्रह्म विषय जो अवगम है ज्ञान, ज्ञान की यहाँ पर लक्षण, ज्ञान में लक्षणा करनी चाहिए, विषय की लक्षणा विषय मतलब ज्ञान में करनी चाहिए। जैसे देख लो विषयवाचक शब्द से ज्ञानवाचक को भी लिया जाता है, जैसे कह दिया पर्वतो बन्यमान धुमा है कि नहीं, यहाँ पर धूम का अर्थ केवल धूम विषय नहीं, धूम ज्ञान है कि नहीं, धूम से अनुमान नहीं किया जाता है बन्नी का, धूम ज्ञान से अनुमान किया जाता है कि नहीं। आपको धूम का ज्ञान नहीं है फिर भी धूम है कि नहीं वहाँ पर हाँ तो धूम से थोड़ी बन्नी का अनुमान होता है, धूम ज्ञान से बन्नी का अनुमान होता है। इसलिए पर्वत बन्यमान धुमांत कहने से धूम को जो हेतु हेतु बोलते हो वहाँ पर धूम ज्ञान हेतु होता है, धूम का ज्ञान, इसलिए वहाँ पर धूम का अर्थ धूम ज्ञान। इसी प्रकार से अस्तित्व ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर उसका ज्ञान को ले लो, ब्रह्म है ऐसा ज्ञान साधक को हो जाता है, श्रद्धा यदि हो तो विचार करने से पहले होता है ज्ञान, है ना, ये यहाँ पर भामतिकार कह रहे हैं। आगे के विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।